हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये देखिए मेरा ओरिजिनल लुक एंड मेकअप करने के बाद मैं कुछ ऐसी लग रही थी। तो इसी टाइप का मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेकअप करते हो या फिर करना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो। तो इस तरीके से मैं रेडी हुई थी और ये मैंने जो मांग टीका पहना है, ये मेरा नेकलेस है गले का, तो इसको मैंने सिर पे इस तरीके से लगाया है। तो आप भी अगर शादी वगैरह में इस तरीके से कर सकते हो, जो कि लुक आपका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो मेकअप करने से पहले अपने स्किन का CTM करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए मैंने टोनर की जगह पर गुलाब जल का यूज़ किया था। उसके बाद मैं लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर कुछ इस तरीके से। जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पर लगाते हो, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अपना वर्क अच्छे से कर पाए। फिर मैंने सनस्क्रीन लिया था आयुर का। आयुर के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आयुर का जो क्लिंजिंग मिल्क है, उसकी फुल डिटेल मैंने बताई है, और पार्लर वाले क्लिंजिंग मिल्क में क्या क्या यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन शाइन करता है, ग्लो करता है, तो सीक्रेट बताया है मैंने, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने प्राइमर लिया, काफ़ी अच्छा प्राइमर है लैक्मे का, हुडा ब्यूटी का, स्विस ब्यूटी का एंड फिटमी का, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं। ये सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरीके से प्राइमर अप्लाई किया था। नेक्स्ट स्टेप है कलर करेक्टर। तो कलर करेक्टर मेरे स्किन पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आई डार्क सर्कल थोड़ी है, तो डार्क सर्कल के लिए मैं कलर करेक्टर यूज करूँगी। ऑरेंज कलर करेक्टर इस तरीके से लिया, और पूरे कौन सा कलर करेक्टर कब और कहाँ कैसे यूज करना चाहिए, उसकी डिटेल वीडियो है चैनल पर, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरीके से गीला कर रही हूँ वाटर स्प्रे से। इसका साइज़ छोटा था, लेकिन गीला करने के बाद ये थोड़ा बड़ा हो गया, फूल गया। फिर इसको अच्छे से जिसको जो इसका कॉर्नर वाला पार्ट है, उससे आईज के नीचे इस तरीके से ब्लेंड करेंगे, जिससे कि हमारा डार्क सर्कल जो है वो अच्छे से हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो लूँगी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन ये लैक्मे 925 का है, ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। तो इसका पंप जो था वो ख़राब हो गया, मैंने काफ़ी ट्राई किया बट ये नहीं निकला। फिर मैंने इसको अच्छे खोल के और इस तरीके से निकाल लिया और अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, और जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फेस वगैरह। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना, बस ज़्यादा सा लीजिए, गीले ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से टैप टैप कीजिए और अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। और आप चाहते हो कि आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे और वाटरप्रूफ रहे, तो आपको इस तरीके से फिक्सर अप्लाई कर लेना है, उसके बाद ब्लेंड कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, आप देखिए कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और बिल्कुल भी केकी नहीं होगा इस तरीके से, अगर आप करते हो तो फिक्सर को यूज करते हो तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद से हम नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा वो होगा कंसीलर का, तो कंसीलर भी यूज़ करेंगे। तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर कंसीलर कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज करना है वो बताती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से कंसीलर यूज कर रही हूँ मैं, सॉरी फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तभी आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और अच्छा होगा। तो इस तरीके से पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो चुका है हमारा। इसके बाद मैं 7 सीरीज का ये कंसीलर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने लॉन्ग टाइम से यूज़ किया, अपने ब्राइडल्स पे भी यूज़ किया, मुझे बिल्कुल भी शिकायत देखने को नहीं मिला इसका। काफ़ी अच्छा तारीफ़ ही किया उन लोगों ने कि मेरा मेकअप बहुत अच्छा था, लॉन्ग लास्टिंग था। तो ये भी अच्छा है, आप ले सकते हो इसको। अब इसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसको यूज़ करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए एंड इस तरीके से वाटर स्प्रे ज़रूर कीजिए, सॉरी मेकअप फिक्सर को ज़रूर लगाइए, जिससे कि ब्लेंड करने में ईजी हो। अब पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया है ताकि जल्दी से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करने के बाद से मैंने यहाँ पे यूज किया था लिक्विड ब्लशर। लिक्विड ब्लशर बहुत अच्छा होता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल लुक देता है आपको। मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर यूज़ किया था, क्योंकि डे के लिए मैंने मेकअप किया था, नाइट के लिए थोड़ा सा डार्क भी हो जाए तो चलेगा। इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है मैंने। ओके, देखिए कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा था, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। पूरा नाइट तक मेरा मेकअप चला था, मैंने सुबह में 10 बजे किया था और रात के 1 बजे तक
ये मेकअप ऐसे का ऐसे था। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर का, और इसको अच्छे से फेस को हम जो बेस हमने बनाया है उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया था ब्लशर, ब्लशर को अच्छे से नोज पे, अपने चिक बोन्स पे, ठोड़ी पे, अपर लिप्स पे, फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो आईब्रो फिलिंग का है, तो आईब्रो को इस तरीके से शेप दिया है और उसको अच्छे से फिल करेंगे। ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो उसको मैंने साफ़ करके दोबारा से लगाया है। अब इसको फिल करेंगे कुछ इस टाइप का ब्रश आता है आईब्रो फिलिंग के लिए, इसकी मदद से अच्छे से फिल करेंगे जिससे कि हमारा आईब्रो जो है वो नेचुरल दिखे। तो इस तरीके से टाइम लीजिए बट अच्छे से काम कीजिए, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन बढ़िया काम होना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे समझिए और सीखिए। तो यहाँ पे प्रॉपर लाइन नहीं दिख रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से पेंसिल को लगाया और इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा आई मेकअप का, तो मैंने यहाँ पे ब्लू, लाइट ब्लू कलर अपने क्रीच एरिया पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर यूज़ किया है क्रीच एरिया के जस्ट नीचे, दोनों आईज पे साथ साथ में करते जा रही थी। फिर लाइट ब्लू कलर लेके यहाँ पे लो वाटर लाइन पे यूज़ किया है। फिर गोल्डन कलर लेके मैंने यहाँ पे इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है। आई मेकअप की डिटेल वीडियोज ब्राइडल मेकअप की है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा मेकअप किया है और अच्छी अच्छी मेकअप्स हैं यहाँ पे। मैंने फिर ग्लिटर लिया था इस तरीके का ग्लिटर कलर लेके और इस तरीके से आईज पे अप्लाई किया था क्योंकि मेरे ड्रेस का जो कलर है कुछ इसी तरीके का मैचिंग है। फिर कॉम्पैक्ट पाउडर को लेके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को इस तरीके से निकाल दिया है जो कि हमारे फेस पे गिर के हमारे मेकअप को ख़राब करना चाहते थे। फिर मैंने लैक्मे का काजल लिया है, इसको इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। काजल अप्लाई करने के बाद से हम लोग लाइनर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से लाइनर को अप्लाई किया है धीरे धीरे करके। विंग्स थोड़ी बड़ी हो गई थी फिर बाद में मैंने इसको छोटा कर लिया था, तो किस तरीके से करना है वो देखते रहिएगा पूरा वीडियो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो एंड तक वॉच किया कीजिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग मिस्टेक करते हैं फिर इसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में। बहुत प्यारा आई मेकअप लग रहा था, ये जो ग्लिटर है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप अपने काजल को चाहते हो कि ना फैले तो लो वाटर लाइन पे लाइनर ज़रूर लगाइए, इससे आपका जो काजल है वो फैलेगा नहीं एंड लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो इस तरीके से लाइनर मैंने लगा लिया है और विंग्स करते करते थोड़ी बड़ी हो गई थी तो बाद में इसको साफ़ किया करेंगे। दूसरी साइड मैंने स्टार्टिंग में ही बड़ा लगाया था, बड़ी विंग्स भी अच्छी लगती है बट आपको अगर हैवी लग रहा है तो आप थोड़ा छोटा कर सकते हो, कैसे करना वो मैं भी बताऊँगी। तो इस तरीके से लाइनर को अप्लाई कर ले रहे हैं। ओके, लो वाटर लाइन पे ज़रूर लगाइए। पहले मैंने सोचा दोनों को बड़ा करके देखते बट ये थोड़ा अजीब दिख रहा था, ऊपर नीचे हो गया था, अच्छे से नहीं लग रहा था। फिर मैं विंग्स को छोटा करूँगी बाद में। तो हाथ से साफ किया बट हाथ से फैल जाता है, तो मैंने टॉवल लिया और टॉवल से अच्छे से इसको रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद से वहाँ का मेकअप प्रोडक्ट भी हमारा निकल जाता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो भी बता रही हूँ मैं। तो इस तरीके से साफ़ कर लिया, आप चाहो तो ऐसे भी स्मोकी सा छोड़ सकते हो बट मुझे यहाँ पे मैंने फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, फिर थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया जिससे कि जो लुक था हमारा परफेक्ट वैसे ही का वैसे आ जाए। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे विंग्स को दोबारा से ठीक कर लेंगे। उससे पहले मैं लिपस्टिक लगा ले रही हूँ, तो ये मेरा लिपस्टिक का जो नोक था वो टूट गया था, फिर मैंने विंग्स को इस तरीके से ठीक किया और लिपस्टिक का जो शेप वो काफ़ी प्यारा लग रहा है। लिपस्टिक कैसे लगानी चाहिए उसकी डिटेल वीडियो है चैनल पे, तो जाके चेक कर लीजिएगा। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लाइनर कैसे लगाते हैं उसकी भी वीडियो है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो बिल्कुल इस तरीके का लुक आया था, बाद में मैंने हेयर स्टाइल भी किया था। तो कैसा लग रहा है आपको फाइनल लुक, वीडियो पसंद आई हो, मेकअप करने का तरीका पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपको जो भी चीज़ों का डाउट है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर खुद से रिलेटेड, मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगी इसके ऊपर। और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोज़ देखिए। सेकेंड चैनल पर जरूर जाइएगा सिलाई से रिलेटेड काम सीखने के लिए। तो वाह, आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो वाह वाला लगा बट अब आप बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेकंड चैनल पे जरूर जाइए, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पे मेरी रील्स वीडियोज आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी, तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।